हेलो एवरीवन, मैं सचिन छिल्लर, 5 टाइम सेलेक्टेड इन SSC CGL और मैं पहले टीचर भी रह चुका हूँ। तो मुझे एक स्टूडेंट और टीचर दोनों की तरफ से पता है कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा नीड लगी इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा ज्ञान देता नहीं, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि अलग अलग वीडियोस पे कि क्या करें कैसे करें, ये सारे कमेंट्स हमने पढ़े। तो फिर सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। भाई अगर आप ऐसे करोगे ना इस टाइम पर आके कि इस टीचर का भी वीडियो देख लो, उस टीचर का भी वीडियो देख लो, कोई कह रहा है कि 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, कोई कुछ कह रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, जनरली मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एक क्लास में होते हैं, 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाती है। आपने क्या उससे आउटपुट लिया अगर आपके 4 क्वेश्चंस भी नहीं हुए, तो आप तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और आप अपना पूरा दिन ख़राब कर देते हो। और अब का एक एक मिनट आपका इम्पॉर्टेंट है, आप अगर एक मिनट भी ख़राब कर रहे हो कहीं पे, इट मीन्स आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। तो ये चीज़ प्लीज़ ना करो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई आप इन चीज़ों से दूर रहो। और दूसरी बात, मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल अपनी समाज सेवा मत दीजिए। आपको पहले तो याद आता नहीं है कि भाई बच्चों को ज़रूरत होती है आपकी, आप पहले तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आप पढ़ाना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अभी रहने दीजिए, बच्चों को पैनिक मत करिए। अपने नए नए क्वेश्चंस लाके रोज़ की मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा, ये होगा, उससे उनको नुकसान ही होगा। अब करना क्या है आपको, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है? देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि प्री उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ नीचे गया है तो उनको उम्मीद नहीं थी ज़्यादा, लेकिन एकदम से उनका प्रिलिम्स क्लियर हो गया तो वो एकदम से उनकी आशा जग गई, उनके घर वालों की आशा जग गई। तो भाई अपने घर वालों की आशा मत तोड़ो, क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर हुआ है ना, इसका मतलब आपको कुछ तो आता है। तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको रिविज़न की ज़रूरत है। सेल्फ प्रैक्टिस जैसे मतलब मॉक टेस्ट लगाइए आप, और मॉक टेस्ट भी मेनली जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट की फॉर्म में जो आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, उन्हें आप लगाइए, उन्हें टाइम बाउंड करके आप लगाइए, तो आपको उनसे बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी बार इतनी वैकेंसी है, अगर आप एवरेज तैयारी के साथ भी जा रहे हैं ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एवरेज तैयारी के साथ सिलेक्शन लेते थे, तो इस मौके को मत गवाइए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप एक जॉब ले लीजिए। भले ही 2400 ग्रेड पे की ज़्यादा जॉब्स है, लेकिन एक जॉब तो आपको मिलेगी ना, अगर आपकी एवरेज तैयारी भी है। तो भाई अपनी स्ट्रेटेजी खुद तैयार करो कि मेरे को इस दिन तक मॉक लगाने हैं। जैसे अभी 18 तारीख आज हो गई है, अभी आपके पास 10-12 दिन है, तो मुझे इस तारीख तक सिर्फ मॉक लगाने हैं, उसके बाद सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। मॉक अगर लगाने हैं तो मुझे उनमें कितना टाइम देना है, कितने मॉक्स लगाने हैं, रिवीजन को मुझे कितना टाइम देना है। और अगर आप इन सारी बिखरी हुई चीज़ों को देखो, हम जब पढ़ते हैं ना 5-7-10 महीनों से या 1 साल से, हमारी बहुत सारी चीज़ें बिखरी होती है, तो हम रिवीजन के माध्यम से उनको सकोड़ते हैं एक जगह और हम फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो आपको रिवीजन के लिए अलग टाइम, मॉक टेस्ट के लिए अलग टाइम फिक्स करना है दिन में। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे ना, आप एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली अच्छा कराओगे। और इन फालतू के चक्करों में पड़ोगे कि इसकी वीडियो देख लो, उसकी वीडियो देख लो, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप मॉक टेस्ट में आइडेंटिफाई करिए ना कि मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक को सर्च करिए, आप उसको क्लियर कर लीजिए अपने टॉपिक को। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे चाहिए जो बहुत बार रिपीट होते हैं और कुछ टीचर करा सकते हैं, तो आप 1-8 टीचर को फॉलो कर लीजिए, यानी कि आप 10-12 टीचर की वीडियो देख रहे हो, जिसकी भी आ रही है आप देखे जा रहे हो। इससे आप सिलेक्शन से दूर होगे, इसके सिलेक्शन से नज़दीक नहीं आओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं अब, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस पर अगर हमें नेसेसरी लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू की वीडियोस बना के, तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे कि किस पोर्शन में, जैसे अपना रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS, किस में कितना टाइम और क्या पढ़ना चाहिए, ये अगर आपको जानना है, आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और फिर हम उस पर अगर हमें लगा सही तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर वालों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे और एक अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में जाके। चलो, तो बाय बाय, टेक केयर।